अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंग्लैंड आयरलैंड और T20 वर्ल्ड कप सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड आज रवाना हो चुका है आयरलैंड के लिए। और दोस्तों, पाकिस्तान टीम को एयरपोर्ट पर ही चंद लम्हे पहले बड़ा झटका लगा जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं मुकम्मल डिटेल्स में। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर पाकिस्तान टीम आज ही रवाना हुई है आयरलैंड सीरीज के लिए। और पाकिस्तान टीम आज का दिन आराम करके कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी और 10 मई को पहला T20 मुकाबला खेलेगी आयरलैंड के खिलाफ। उसके बाद 22 मई से आगाज हो जाएगा इंग्लैंड सीरीज का और 2 जून से पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलेगी। मगर डिपार्चर से चंद लम्हे पहले ही पाकिस्तान टीम को अफसोसनाक खबर मिली। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम के साथ वीजा हासिल नहीं कर सके और वो पाकिस्तान टीम के साथ आयरलैंड के लिए रवाना भी नहीं हो सके, जिसके पेश नजर अब पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो 14 रुकनी रह गया। वर्ल्ड कप और इंग्लैंड सीरीज के लिए तो आमिर जाएंगे, लेकिन इससे पहले आयरलैंड सीरीज मुकम्मल खेल पाएंगे या फिर नहीं, इसका फैसला अभी होना बाकी है। पाकिस्तान टीम को बेस्ट ऑफ लक विश कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।